अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 8वां रोज़ा और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी सहरी। तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये देखिए, हमारी सहरी तैयार हो गई है और इसे लेकर हम जाएँगे अपने रूम में और वहाँ पर बैठ कर खाएँगे। तो ये रही हमारी सहरी। आज हमारी सहरी में है अंडा ब्रेड और ये एक प्याली दही, और मैंने बादाम भी बोए थे तो वो मैंने खा लिए हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये इनका रखा है, ये भी आ रहे हैं, वॉशरूम में गए। तो हम सहरी ही कर लेते हैं जो भी हमें खाना पीना होता है, क्योंकि हम इफ्तार जो थोड़ा बहुत करते हैं फिर भी भूखे नहीं लगती है। खाना रात में हम नहीं खाते, हम इस वक्त जो भी कुछ खाते हैं वो सारा दिन ताकि हमें एनर्जी दे। तो यहाँ पर मेरी सहरी बन चुकी है और इस वक्त हो रहे हैं 4:15। अभी टाइम काफ़ी है तो खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वक्त हो रहे हैं 6:45 और मैंने नमाज़ पढ़ रही है, कुरान भी पढ़ लिया। कुरान पढ़ रहे थे, बहुत ज़ोरों की नींद लग रही थी क्योंकि हम 3:30 बजे उठे थे और 1 बजे तो सोना होता है, नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। तो अभी बहुत ज़ोरों के नींद के झोंके आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर लेट लूँ, क्योंकि शायान सो रहे हैं और जब तक शायान सो रहे हैं तब तक मैं सोऊंगी, और जैसा ही वो उठेंगे तो वो मुझे सोने नहीं देंगे बिल्कुल भी। और आज मैंने कुछ प्लान भी किया था तो वो भी देखते हैं होता है कि नहीं होता, अभी आप लोग को नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। जब ये उठेंगे तो इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, फिर बताएंगे आप लोगों से कि क्या मेरा आज का प्लान है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने और फिर जब मैं सो के उठूँगी तब इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। ठीक आयान, चलो तो मैं जल्दी से नहला दें, जल्दी चलो मैं अपना काम ख़त्म करूँ। इस वक्त हो रहे हैं 12 और वैसे तो सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं जो सुबह के थे, झाड़ू पोछा बर्तन किचन सब हो गया है। अभी मैं जाऊंगी शायान को नहलाने, और जो प्लान के बारे में मैं आप लोगों से बता रही थी तो वो ये प्लान है कि मैंने आज सोचा था कि मैं इफ्तारी बांटूंगी कुछ लोगों में। तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, क्या बांटें, क्या मतलब सही रहेगा, ये चीज़ें ही नहीं समझ आ रही थी। तो फिर हम दोनों ने डिस्कशन किया और यह डिसाइड हुआ कि बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि वो बांटने में आसानी रहेगी। और अब मेरे घर में कोई है भी नहीं, ये भी अकेले हैं, तो ये असिर के बाद से कह रहे थे कि मैं बांट दूंगा जो भी कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ लोग कहीं थोड़ा सा दूर। अब बांटने वाले तो यही हैं तो क्या बनाते, और हम भी अकेले हैं तो ज़्यादा तो अहतमाम कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग ने यही सोचा कि बिरयानी बना लेंगे, एक दो चीज़ें और हैं, फ्रूट्स हैं या इमरती वगैरह ये बांट देंगे। तो आज जो पहला इफ्तार मैं मतलब बांटने के लिए बना रही हूँ, अभी तक तो घर में ही चल रहा था, और बांटना तो बहुत ज़रूरी है, मतलब लोगों को इफ्तार कराना बहुत सवाब का काम होता है। बस मैं घर में इसलिए नहीं करा पाती कि घर में जगह नहीं है, और मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है। और पहले तो ये था कि कम सामान था, अब ये दीवान हो गया है, घर सोफ़ा उधर डाइनिंग, तो ये जो सामान है इसको निकालने की भी जगह, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं और छत तो में तो कुछ रख नहीं सकते ना बाहर निकाल सकते हैं। तो बस यही मेन रीज़न है जो हम घर में नहीं किसी को बुला पा रहे। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रोज़ा इफ्तार करूं अपने घर में, सबको बुलाऊं, तो फिर यही सोचा कि चलो नहीं बुला सकते हैं तो सबके घरों में ही बांट देंगे, और 2 बार मैं करूंगी इंशाल्लाह। तो अभी ये गए हैं, कुछ सामान नहीं था, चिकन नहीं था, ये चिकन लेने गए। अब जब तक मैंने चावल भिगो दिए थे, तो जिनको बिरयानी सीखना हो वो मेरे साथ आ जाए, व्लॉग में बने रहें। आज मैं सिखाऊंगी बहुत आसान तरीका चिकन बिरयानी बनाने का, और आधे घंटे में आपकी बिरयानी तैयार हो जाएगी अगर आपका चावल भीगा हुआ है। तो चावल मैंने भिगो दिए थे, अब बस ये चिकन लेकर आएंगे तो मैं बिरयानी बनाना शुरू कर दूंगी। और अभी जा रही हूँ शायान को नहलाने, फिर मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लूँगी, उसके बाद चलते हैं किचन में। तो मैं किचन में आ गई हूँ नमाज़ पढ़कर, और अब हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी। ये देखिए मैंने चावल भिगो के रख दिए थे और इनका टाइम पूरा हो गया। तो सबसे पहले हम करते हैं बिरयानी का मसाला बना लेते हैं, और ये मसाला बनाकर आप रख लीजिए, और जो भी बिरयानी आपको बनानी हो, टिक्का बिरयानी, मद्रासी, मुरादाबादी, जो भी बिरयानी बनानी हो उस सारी बिरयानी में ये मसाला आपका काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं बिरयानी का मसाला। तो ये रहा हमारा बिरयानी का मसाला, इसमें मैंने 25 से 30 लिए छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून दखनी गोल मिर्च जिसे वाइट गोल मिर्च भी बोलते हैं, और ये है 20 से 22 बड़ी इलायची, और ये हैं 3-4 लकड़ी दालचीनी की, और ये 3 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है,
वन टेबल स्पून सिया ज़ीरा लिया है, और ये है 3 से 4 से 5 फूल जावित्री के, ये है मुश्क दाना, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया, और ये छोटी इलायची हैं 25 से 30, और ये आधा जायफल लिया है मैंने, और ये ब्लैक पेपर काली मिर्च ये भी 1 टेबल स्पून, ठीक है। और ये है रोज़ पेटल, ये मैंने 2 टीस्पून लिया है, तो इसको अभी हम भूनेंगे नहीं, पहले हम इन मसालों को हल्का सा रोस्ट करते हैं, इनको जलाना नहीं है, बस इनकी नमी को हटाना है, और फिर बाद में इसको जो है सब साथ में डालकर हम पीस लेंगे। तो चलिए पहले हम इसे भून लेते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि एक बड़े बर्तन में हमने पानी लिया है, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पिसा नमक और थोड़ा सा फूड कलर, इसको हम चिकन डालकर बॉईल करेंगे इस पानी में, ठीक है। तो पहले ये अच्छे से खोल जाए, फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ये देखिए मैंने चिकन को वॉश करके रख लिया था, ये 1.5 किलो चिकन है, तो मैंने 1.5 किलो चावल लिए हैं और उसमें उतना ही चिकन भी लिया है, तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ। इसमें एक बॉयल आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे, मतलब इसका जो पानी है वो हटा देंगे, चिकन रहेगा। ऐसे करने से क्या होता है ना कि जो चिकन का जो पीस होता है वो एकदम बन जाता है, इसका रेशा रेशा बोटियाँ जो होती हैं वो बंदी बंदी सी होती हैं। और दूसरी चीज़ें जिसमें हल्की फुल्की सी अगर स्मेल आती है ना चिकन में, और जो भी गंदगी धुलने से रह भी जाती है तो वो निकल जाती है, और ये इस तरीके से बावर्ची करते हैं। तो ये मैंने जो तरीका है ये बावर्ची से ही सीखा था। तो अभी हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम एक बॉयल आने तक पकाते हैं। दूसरी तरफ हमने एक बड़ा भगोना लिया, इसमें हमने पानी लिया है, पानी तो आप चावल के हिसाब से रखिए, वैसे कहते हैं 1 किलो में 2 से 2.5 लीटर पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पर मैंने अंदाजे से रख दिया। और ये देखिए खड़ा नमक है, इसे मैंने वॉश कर लिया था इसलिए छन्नी में है, क्योंकि खड़ा नमक थोड़ा गंदा होता है ना, तो इसे धोकर ही यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं डाल रही हूँ, अपने अंदाज से डाल रही हूँ, और ये रहे 2 तेज़पत्ते, और ये रही 1 टेबल स्पून सौंफ। तो ये हमने पानी में डाल दिया है और इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे और इसको बॉयल आने तक पकाते हैं। ये देखिए चिकन में खौल आ चुका है, फेना काफ़ी है ऊपर, अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसको एक छन्ने में फंसा देते हैं। यहाँ पर कुकर रख दिया हमने, कुकर गर्म हो गया, अब इसमें हम तेल डालेंगे। तो ये रहा 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, 1 किलो में हम डालेंगे पाव भर तेल, तो 3 हो गए 4, और ये रहे 4.5। ये मैंने नाप के डाला है, 1 किलो में पाव भर तेल पड़ता है बिरयानी में चिकन में, क्योंकि चिकन थोड़ा सा ड्राई होता है। अब हम क्या करेंगे, तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना है। ये देखिए तेल गर्म हो रहा है, इसके लिए मैंने लिया है, ये अखनी बन रही है, तो अखनी के लिए मैंने लिए 2 बड़ी इलायची और 3-4 छोटी इलायची है, 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, 2 बड़े तेज़पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ये डाल देते हैं, ठीक। और ये मैंने 4 प्याज लिए हैं, ये छोटी प्याज हैं, तो इसे मैंने कट कर लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपके पास बड़ी प्याज है तो 1 किलो में 1 प्याज पड़ती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अभी हम पहले ये मसाले चटक जाएँ अच्छे से। ये रही प्याज, अब ये इसमें हम डाल देते हैं और इसे गोल्डन करेंगे हम। देखिए प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इसको गोल्डन करना है और हम प्याज को निकाल लेंगे, खाली प्याज निकालनी है। और मुझसे एक चीज़ मतलब गलती हो गई, भूल गई, पहले मुझे प्याज लाल करनी थी फिर मुझे खड़े मसाले डालने थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास बड़ा छन्ना है तो हम छान लेंगे, मसाले अलग कर लेंगे, प्याज को निकाल लेंगे।
थोड़ा सा भी कलर हमें और चाहिए, और इस छन्ने से मैं निकाल लूँगी जो भी मसाला आएगा वो इससे छन जाएगा आराम से, क्योंकि मसाले तो हमने ज़ीरा ही डाला है, इलायची तो दिख ही जाएगी, तो वो मैं फिर से वापस डाल दूँगी। अब ये प्याज हमारी हो चुकी है, बस इतना ही हमें इसे ब्राउन करना है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी प्याज निकल गई है, मसाला मैंने हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चिकन डालेंगे। थोड़ी देर इसे हम मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर हम इसे तेल में ही डालकर ऐसे ही पकाएंगे, ताकि जो भी बोटियाँ हैं ना वो बहुत अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएं। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इधर हम पानी को चेक कर लेते हैं, ये देखिए पानी भी खौल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चावल डाल देंगे जो हमने भिगा के रखे थे। एक बार हम इसे ऐसे चला देते हैं, ये मिक्स हो गया, और हम इसका ढक्कन रख देंगे और फिर से हम बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। इधर ये देखिए हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से पक रहा है, जितना मुझे फ्राई करना था ये हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले जो कि इसकी टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। सबसे पहले जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं डालूँगी 3 चम्मच, ठीक है। अब एक बार हम इसे मिक्स कर देते हैं। और ये जाएगी इसमें पीली मिर्च, तो मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है, मैं इसमें 3 टीस्पून डालूँगी। अब जाएगा इसमें नमक, नमक ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हमने इसको बॉयल करते में भी नमक डाला था, ठीक है। थोड़ा सा गरम मसाला जो भी खाने में आप लोग यूज़ करते हैं वो वाला, और ये एक टमाटर मैंने कट किया था ये भी मैं डाल दूँगी इसमें, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिरयानी में कोशिश किया करें हमेशा पीली मिर्चा डाला करें, पीली जो मिर्च होती है उससे इसका जो कलर होता है वो चेंज नहीं होता। अगर हम रेड चिली यूज़ करते हैं तो फिर वो बिरयानी जो है लाल लाल सी लगने लगती है, तो इसलिए बिरयानी में हमेशा येलो मिर्च का ही यूज़ करें। अभी इसमें मैंने टमाटर डाला है, टमाटर गलने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखिए यहाँ पर टमाटर मेरा गल चुका है, अब हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे एक प्याली दही। ये देखिए ये अच्छी तरीके से मैंने इसमें मिक्स किया है, और वैसे पहले जो भी पानी वगैरह तो इसमें कुछ भी नहीं था क्योंकि मैंने पानी डाला ही नहीं था, और थोड़ा सा तेज़ आंच थी तो जो भी पानी था वो सूख चुका था। अब मैंने दही डाला है तो थोड़ा सा ये पानी को छोड़ेगा, तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इसका जो फ्लेम है वो स्लो कर देंगे ताकि जो चिकन है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, और ढक्कन ढक देंगे ऐसे ही। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं, लग तो रहा है कि गोश हमारा अच्छे से गल गया, क्योंकि पहले भी मैंने बॉयल किया था और चिकन इतना टाइट नहीं होता है, चिकन तो पकते ही पकते गल जाता है, बस मैंने सोचा था कि इसमें सॉफ्टनेस आ जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा फ्लेम को स्लो कर दिया था। और अब हम तेज़ आंच में इसे भून लेंगे, इसमें पानी ना रहे इस बात का ध्यान रखना है, बस ऑयल ऑयल जब दिखेगा तब हम इसका जो फ्लेम है उसे ऑफ कर देंगे, ठीक। अभी है हल्का सा पानी, तो यहाँ पर हमारी जो अखनी है वो रेडी हो चुकी है, इसने तेल रिलीज़ किया है, पानी नहीं है बिल्कुल भी, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे इसके फ्लेम को अब ऑफ कर देते हैं, और इसको ढक्कन लगा कर एक साइड में रख देते हैं, और हम अपने चावल देख लेते हैं। चावल भी हमारे अच्छे से पक रहे हैं, और इसमें मैंने जो चावल यूज़ किया है वो गैलेक्सी चावल है, गैलेक्सी चावल बहुत अच्छा होता है, इसको आप चाहे जितनी भी देर भिगो दीजिए
ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। और ये देखिए चावल हमारा गल चुका है, मैंने हाथ से तोड़ कर देखा है, हाथ ही नहीं आ रहा है मेरा, ये देखिए ये गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके भी फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं छन्ने में। ओ गरम गरम आग निकल रही है, सारा चावल आ गया इसमें। थोड़ी देर हम इसको रखा रहने देंगे ताकि पानी सारा निकल जाए, पानी बिल्कुल भी ना रहे चावल में। तो यहाँ पर देखिए मैंने भगोना रख दिया है और भगोने में थोड़े से नीचे चावल हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हैं तो रहने दें उसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी अखनी थी ना, तो इसका हम थोड़ा सा तेल लेंगे और सबसे पहले हम नीचे ऐसे इसमें डाल देंगे ताकि जब हम चावल की लेयर लगाएं तो नीचे जलने ना पाए, ठीक है। ये देखिए एक प्लेट पे मैंने ये बॉयल चावल लिए हैं, इन्हें हम थोड़ा सा डालेंगे और हम अपनी जो ये लेयर है इसको दो पार्ट में लगाएंगे, ठीक। एक पार्ट तो ये हो गया, इतने चावल लिए मैंने, इसको अच्छे से फैला दिया। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि ये जो अखनी हमारी बनी हुई थी ना, तो इसकी जो भी पीस हैं बस वो हम इस वाले छन्ने से ऐसे निकालेंगे और डाल देंगे फैला कर। और ये देखिए ये बिरयानी वाला मसाला जो मैंने पीसा था, तो वो मैं डिब्बे में करके रख लेती हूँ। अब इसकी जो क्वांटिटी है उसका ध्यान रखना है आप लोगों को। ये जो मसाला है, ये देखिए ये 1 टीस्पून है, ठीक है। तो हम 1 किलो में 4 टीस्पून ये मसाला डालते हैं, तो ये है हमारी बिरयानी 1.5 किलो की, तो इसमें हम डालेंगे 6 टीस्पून। तो यहाँ पर हम पहली वाली जो लेयर है इसमें 3 टीस्पून डाल देंगे। और ये मैंने कट करके रखा है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी हरी मिर्च, तो ये भी हम इसमें इस तरीके से स्प्रिंकल कर देते हैं। पुदीने से बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है बिरयानी में और टेस्ट भी बढ़ता है। तो ये हो गई हमारी पहली लेयर। और ये जो प्याज थी, ये मैं थोड़ी सी प्याज भी इसमें ऐसे डाल देती हूँ, थोड़ी उसमें चली गई जो जितनी उसमें जानी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़े से चावल डालेंगे। तो ये हो गई है हमारी फर्स्ट लेयर, एक लेयर लगाना चाहें तो एक भी लगा सकते हैं। मुझे लगा कि दो लगाने में जब हम इसको मिक्स करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा चावल। देते हैं इसको, फिर से वही वाला प्रोसेस, हम इसके पीस पीस निकालेंगे चिकन के। अभी हम तेल इसका जो है वो उसी में रहने देंगे, क्योंकि तेल हम डालेंगे सबसे लास्ट में ऊपर से जब पड़ेगा तब। इसका जितना मसाला है ना वो भी हम ऐसे छान लेंगे, बस हमें तेल को रखना है इसमें और कुछ नहीं। मसाला है, अभी ये मसाला हम ऐसे डाल देते हैं। बस हो गया। अब फिर से हम इसमें 3 टीस्पून मसाला डालेंगे बिरयानी वाला, 1, 2 और ये रहा हमारा 3। बस, और फिर ये पुदीना और हरा मिर्च। और ये जो प्याज थी ये हम डाल देते हैं इसमें, ठीक है। और अब जो ये बचे हुए चावल थे इनको भी हम डाल देते हैं। ये हो गई हमारी 2 बिरयानी की लेयर।
ये हो गए हमारे सारे चावल आ गए इसमें। ऐसे फैला देते हैं सब हर तरफ से, एकदम बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है। और अब हमने क्या किया है इसमें, ये देखिए केवड़ा वाटर है और इसमें मैंने डाला है फूड कलर, तो ये जाएगा इसमें इस तरीके से नचा के डालना है, ठीक हो गया। और अब हम जो हमने इसका जो तीरा उतारा था, यानी कि जो बिरयानी का तेल हटाया था, हटा के रखा था ये वाला, ठीक ये भी हम डाल देते हैं ऐसे। थोड़ा सा चिकन की बिरयानी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है ना, वैसे मटन वगैरह में चिकनाई रहती है तो उसमें आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि ये ड्राई रहता है। अब ये देखिए हमारी जो बिरयानी का सारा प्रोसेस हो चुका है, अब हम क्या करेंगे इसको ढक्कन लगाएंगे ऐसे और रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए एकदम स्लो फ्लेम पर। सो इस वक्त बज रहे हैं 3:15 और बिरयानी तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी है, बस 15 मिनट बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी, बिरयानी पूरी तरीके से रेडी है। अभी मैं सोच रही हूँ जाकर थोड़ा सा अपना सिपारा पढ़ लूँ, टाइम है मेरे पास अभी, अब कोई भी काम नहीं है करने के लिए, बस बिरयानी बनानी थी वो बना लिया और बाहर से जो सामान मंगवाना था फ्रूट्स वगैरह इमरती अभी ये लेकर आएंगे, तो बस बन तो गई है, अगर टाइम होगा तो ये जल्दी बांट देंगे। बस मेरे यहाँ दिक्कत इसी बात की है कि कोई बांटने वाला नहीं है, ये अपना काम छोड़कर आए तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, और इनके पास टाइम ही नहीं था। ये असर मगरिब के टाइम आते हैं रोज़ा खोलने, आप देखते हैं आज कैसे मैनेज करते हैं, बस यही दिक्कत है कि कोई बांटने वाला नहीं है। खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा ये काम हो गया, अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, पारा पढ़ती हूँ, फिर आऊँगी तो आप लोगों के सामने एक वैसे मिक्स करेंगे, देखते हैं इसका फाइनल जो शक्ल है वो बिरयानी की कैसी होती है, ठीक। यहाँ पर बिरयानी को दम लगे हुए हो चुके हैं 15 से 20 मिनट, ये देखिए इसकी शक्ल, और इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से एक बार मिक्स कर देंगे पूरी बिरयानी को। हल्के हाथ से चलाना है, वैसे भी ये चावल बहुत अच्छा होता है, ये चावल टूटता नहीं है। ये देखिए बिरयानी की शक्ल, शक्ल में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, टेस्ट में नहीं पता क्योंकि बिना चखे हुए बनाया है। इसको हम ढक देते हैं और चलते हैं किचन से बाहर। इस वक्त हो रहे हैं 4:15 और ये शायद कहीं चले गए हैं बाहर, और मुझे लग रहा है कि कुछ लेने वेने गए होंगे, हमने यही सोचा कि चलो जितनी जल्दी हो सके, बन तो गई है बांट देते हैं बिरयानी है, जो भी खाएगा वो बाद में गर्म कर लेगा। और आज एक बहुत हंसी की बात आई थी कि जब हम नमाज़ पढ़ते जोहर की और ये आए थे तो मुझसे बोले कि लो मैं सारा सामान ले आया हूँ और तुम ऐसा करना कि जो बिरयानी बना रही तो मैं उसका तुम्हें मेहनताना दूंगा 200 रुपये, 200 रुपये किलो पड़ता है ना। तो हम सुन रहे थे इनकी बात को, तो कहने लगे लो कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना नहीं सूखना चाहिए, उसको उसका मेहनताना दे देना चाहिए। तो जब फिर मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा नहीं मुझे आपके ये पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ कर सकें ना कर सकें कम से कम हाथ पैरों से तो कर सकते हैं, तो इसका सवाब मुझे मिलेगा, मैं रोज़दारों के लिए बिरयानी बना रही हूँ। तो ये बोले अरे वाह तुमने तो आज बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। तो सही बात है, रोज़ेदारों के लिए जितना भी इंसान कर ले बहुत कम ही होता है और उसका सवाब अल्लाह ताला हमें देते हैं। तो अभी ये आ जाएंगे तो फिर हम लोग बांटना शुरू करेंगे, जितने पैकेट बनेंगे उतने बनाएंगे, फिर मैं बना लूँगी, अभी तो पूरा रमज़ान है, 2-3 बार में जैसे होगा तो बांटेंगे हम लोग इंशाल्लाह। हम लोग बांटने जा रहे हैं बिरयानी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह की बरकत खूब ढेर सारे लोगों तक पहुंच जाए और कैसे में बरकत हो जाए और हम ज़्यादा लोग खा लें बिरयानी। तो ये हम लोग सारे डिब्बे भर लेते हैं इसको, हाँ सही से मिला, ये देखिए ये बावर्ची वाला काम हुआ ये रहा एक 2 इमरती, 1 केला, खजूर और इसमें है हमारी बिरयानी। तो ये एक हिस्सा है जो हम लोग देंगे, टोटल इतने हिस्से तैयार हुए, जितनों के घर जा पाएंगे उनको भेज देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर भेज देंगे।
तो ये चले गए हैं बिरयानी लेकर, जिनके जिनके घर में भेजना था वहाँ, और शायान सो रहे थे तो मेरा काम बड़ा आसानी से हो गया है। अभी शायान उठे हैं जब हम लोग ने सारे डिब्बे वगैरह पैक कर लिए, वरना ये और काम बढ़ा देते। तो ये चले गए, अभी हो रहे हैं 4:45, और अच्छे खासे लोग जो यहाँ के थे अपने घर पर हमने नहीं भेजाया, फिर बनाएंगे दोबारा में तब भेज देंगे, जो इनके यहाँ के जो कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ वैसे लोग जो गरीब, उनको दे दिया है। और ये हमसे बोले करने लगे कि हाँ जब अच्छा, मतलब बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, जब उनके यहाँ कुछ भेजो तो वो बदला उतारने के लिए भेज देते हैं, वैसे उनको याद नहीं रहता। लेकिन भाई मुझे तो देना था, मेरे घर में अभी तक किसी ने कोई अफ्तारी वफ्तारी नहीं भेजी, लेकिन मैंने भेज दिया क्योंकि मुझे भेजना था। तो मैं बदल बदल नहीं चुकाती हूँ, कोई दे या ना दे, हमें जिसको देना तो हम देंगे। बहुत से लोग ऐसे होते ना, जब आपके घर में कोई कुछ भेजेगा तभी उसका बदल आएगा, वरना वो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ रमज़ान का महीना है, किसी को रोज़ा अफ्तार कराना है, सवाब का काम होता है। तो हम तो ये सब चीज़ें नहीं सोचते, हमको जहाँ देना था हमने दे दिया, और अभी एक दो बार हम और बना लेंगे और लोगों को भी दे देंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, इकट्ठा तो कर नहीं सकते। इकट्ठा के लिए बहुत बड़े बड़े बर्तन चाहिए, बहुत बड़ा जो भट्टी होती है वो चाहिए, मेरे पास तो गैस है मामूली से, तो उसमें इतनी बड़ी जो डेग है वो चढ़ नहीं सकती है। तो अभी जब ये आएंगे फिर हम लोग इंशाल्लाह रोज़ा खोलेंगे, फिर आप लोग से बताएंगे हमने बिना टेस्ट किए हुए बिरयानी कैसे बनी है, हमारी जो आज की बिरयानी बनी है नमक वमक सब सही है कि नहीं है। ठीक है, शायान आए, अभी जलेबी देख रहे हैं तो एक चीज़ देख के हंसी आ रही है, केले में रखे ही नहीं, केले यहीं रखे रह गए, हिस्से चले गए। अभी ये आएंगे तो गुस्सा करेंगे मेरे ऊपर क्योंकि हमने ही पैक किया था। अभी शायान आए तो देख रहे हैं जलेबी, हमने कहा वो नो, ये क्या हुआ, मैंने केले तो किसी में भी नहीं रखे, एक आइटम कम हो गया सारे हिस्सों में, और फ़ोन ये घर पर ही रखे गए। हमने सोचा लो कॉल करें, जैसे ही ये निकल के गए ध्यान आया, हमने जैसे ही कॉल किया तो वो फ़ोन इनका यहीं पर रखा है। अब तो दिमाग ख़राब है सही, आज उनका काम का लॉस हुआ, बेचारे गए नहीं और मेरे पर बिगड़ेंगे कि तुमने यही करती हो, तुम यही करती हो, देखते हैं अभी क्या आकर मेरे ऊपर बवाल होता है। तो यहाँ पर अफ्तार लग चुका है और आज की स्पेशलिटी है बिरयानी, वो भी मैंने बिना चखे हुए बनाई है। तो अभी जब अजान होगी तब देखेंगे क्या टेस्ट है इसका, ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाएगा सही है कि नहीं है। और एक चीज़ मुझे आप लोगों से बोलना है, मैं अपना वाइडियोज वीडियो चेक करती हूँ तो 53% लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो वॉच करते हैं। तो प्लीज़ जो लोग भी वॉच करते हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में जो बेल आइकन दबा होता है, घंटी घंटी का निशान होता है ना, उसे प्रेस कर देना। लो शायान गिर गए, फिसल गए। तो बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जो लोग भी देखते हैं, अगर अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी हम लोग रोज़ा खोलते हैं, फिर बताते हैं आप लोगों से कि जो मैंने बिरयानी बिना टेस्ट की हुई बनाई है वो कैसी बनी है। ठीक है, जनाब ले रहे हैं, पहले देखो क्या नुक्स निकालते हैं जनाब बिरयानी का। जैसी होगी वैसे बताएंगे वो क्या करेंगे। सही है, बिना टेस्ट करे देखिए नमक मिर्चा सही है। मैं भी जरा टेस्ट करूं, बिस्मिल्लाह मैं भी थोड़ी तारीख आ मैं जरा ड्राई हो गई। हां तो तेल ज्यादा बढ़ा देते तो मैंने तो सही नाप के साथ डाला है, मतलब टेस्ट में सही है। हाँ